हेलो गाइस, तो अभी हम ये अपाचे आरटीआर 164V BS6 मॉडल इसका एक टेस्ट राइड लेने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस बाइक का एक वॉक अराउंड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसके पूरे डिटेल्स, प्राइस, कलर्स, क्या क्या चेंजेस हैं BS4 से BS6 में, तो वो सब चीज़ें मैंने बना रखी हैं। तो आप आई लिंक बटन ऊपर टॉप पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो नीचे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब ये है BS6 मॉडल, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपर एज लिखा हुआ है। तो इसके बाद इसके थोड़े पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स थोड़े से डाउन हुए, लेकिन इंजन काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो मैंने इसका एग्जॉस्ट नोट सब चीज़ बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और बाकी इसमें थोड़े से ग्राफिक्स चेंजेस हैं, थोड़ा सा लाइट का चेंजेस था, तो लाइट आपको इसमें पूरी LED लाइट मिलेगी विद LED DRLs। तो ये इसकी हेडलाइट है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, और सिंस ये अभी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक हो गई तो इसमें आपको माइलेज थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। तो इसमें आपको आराम से 50+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, और इससे जो टॉप स्पीड है वो अराउंड आप 110-120 किलोमीटर पर आवर के बीच में टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस बाइक को हम टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो ये है इसका एग्जॉस्ट, मतलब अगर कंपेयर करोगे आप पहले से BS4 मॉडल से तो इसका इंजन काफ़ी स्मूथ हो गया है अभी। तो पिकअप भी ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिल नहीं रहा, और पहले जैसा ही पिकअप है इसका, स्लाइटली मतलब 19-20 का फ़र्क होगा, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा। एक 150cc इंजन के हिसाब से इसका पावर काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं आप कितना जल्दी ये स्पीड पकड़ रहा है, 74-75। हालांकि इसका पावर एंड टॉर्क फिगर्स थोड़ा डाउन हुआ है, बट इससे इसके इंजन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इंजन वैसा ही है, जो इसका जो रिफाइनमेंट है इंजन का, तो उसमें TVS ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी स्मूथ है इंजन। और थोड़ी सी पहले आपको आवाज़ देखने को मिलती थी इंजन से, और थोड़ी सी लाउड साउंड भी मिलती थी, लेकिन वैसी साउंड अभी नहीं आ रही, अभी एकदम स्मूथ है साउंड, और इनिशियल पिकअप भी काफ़ी स्मूथ है। तो अगर आपको साउंड सुनाई दे रही होगी तो आप सुन सकते हैं कैसे इसकी साउंड है। तो इंजन काफ़ी रिफाइन हो गया है अभी, तो चलिए इसका एक बार स्पीड चेक करते हैं कितनी जाती है ये। अभी हल्का सा रोड नीचे की हो रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो आराम से चली गई थी, तो एज सच मुझे कोई चेंज नहीं लगा इस गाड़ी में। तो बेसिकली हम लोग दो बंदे बैठे हैं इसमें, तो अभी आपको थोड़ा स्पीड डाउन दिख रहा होगा। तो जैसे कि आपने देखा इसमें स्पीड आपको 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आराम से चले गई थी इसमें, और आप देख सकते हैं लाइट कितनी अच्छी लगती है, ये LED लाइट, DRL सेंस में साथ में। तो इसमें आपको आराम से 115-120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ एक पिलियन बैठा था, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पीड गई नहीं। तो मेरे को ज़्यादा कुछ चेंजेस तो दिखे नहीं, पुराना ऐसा मॉडल ही है, जबकि इंजन थोड़ा और रिफाइन हो गया है, और थोड़ा स्टार्ट भी इसका स्मूथ है, ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, एकदम साइलेंट टाइप का स्टार्ट है, और इंजन में भी कुछ उतनी आवाज़ नहीं आती जितनी पहले आती थी। तो काफ़ी रिफाइंड है इंजन अभी, और इसमें आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है और ट्रिप मीटर मिल जाता है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में। एक बार इसका हम ब्रेकिंग टेस्ट करें, जैसा कि आप देख सकते हैं 60 की स्पीड है, तो आपको ABS मिल जाता है फ्रंट में, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें टॉप स्पीड भी दिखा देता है कितनी इसकी टॉप स्पीड गई है। और हैंडलिंग की मैं बात करूं तो मुझे RTR 200 और RTR 164V दोनों की हैंडलिंग मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगी, और काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, सिंगल हैंडल बार मिलता है इसमें आपको, राइडिंग स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है इसमें। आप अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं, चाहे आप हाईवे में चलाना चाहते हैं, दोनों जगह आपको बहुत ही परफेक्ट हैंडलिंग मिलेगी। और सिटी में मैनूवर करना और उसके बाद आप हाईवे में चलाने आते हैं तो ये काफ़ी सही है, जैसे आप मुझे देख सकते हैं कितना आराम से ये मैनूवर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो ये BS6 के अपडेट आने से काफ़ी अच्छा, मेरे को लगता है अच्छा है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी स्मूथ हो जाती है गाड़ी ये। नॉर्मली आप BS4 मॉडल में देखते थे कि गाड़ी की आवाज़ बहुत आती थी और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, और नॉइज़ पोल्यूशन भी होता था, प्लस वैसे एयर पोल्यूशन तो वो तो होता ही था, लेकिन अभी जो है गाड़ियों में काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट हो गया है। फैमिली वालों के लिए बहुत सही गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा, 50+ तक का एवरेज आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी मिलती है और BS6 इंजन हो गया, तो काफ़ी अच्छा एवरेज मिल जाएगा। और वाइब्रेशन इस गाड़ी में कोई भी नहीं है, तो मैंने अभी 110 तक चलाया था गाड़ी को, तो मुझे कोई वाइब्रेशन दिखे नहीं इस गाड़ी में। और मैं बताऊं, अगर इसकी क्रूजिंग स्पीड होगी इस बाइक की, तो क्रूजिंग स्पीड होगी 80-90 किलोमीटर पर आवर तक की आपकी इसकी सबसे स्टेबल स्पीड है, जिसमें आपको कोई भी वाइब्रेशन कुछ भी नहीं देखने को मिलता और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है, स्मूथ एज बटर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ चलती है। तो इस गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से जो टॉप स्पीड होगी, अच्छी स्पीड जो क्रूजिंग स्पीड होगी, वो होगी 80-100। तो ये फैमिली वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और आपको माइलेज का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि माइलेज थोड़ा गाड़ी सही दे, तो ये गाड़ी ले सकते हैं आप, इसमें आपको बेस्ट माइलेज मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ, तो गाड़ी में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि लोड है, जबकि मेरे साथ आप देख सकते हैं एक पिलियन भी बैठा हुआ है, तो मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा कि गाड़ी पे लोड है और गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है। तो ओवरऑल गाड़ी मुझे बहुत सही लगी है, और 110 से 120 तक की 120 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड आप इसमें देख सकते हैं आराम से। तो सिंस ये बाइक आपकी जो है फ्यूल इंजेक्टेड है, तो इसमें अगर आपको माइलेज टेस्ट कराना है तो आपको माइलेज हमेशा टैंक फ्यूल फुल रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जैसे सपोज 50 किलोमीटर आपने चला लिया, तो उसके बाद फ्यूल में जितना फ्यूल कम होता है उतना फ्यूल भरा लीजिए, तो उसके अनुसार आपको माइलेज पता चलेगा कि कितना इस बाइक का माइलेज है। तो इसको कभी भी आप 2 लीटर कम फ्यूल पर मत चलाइए, क्योंकि इसका फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका फ्यूल इंजेक्शन ख़राब हो सकता है। तो अगर आपकी हाइट 5'3" 5'4" है तो भी आपके लिए गाड़ी काफ़ी सही है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल हाइट है वो मुझे कम लगता है थोड़ा, तो अगर आप कम हाइट है तो आप टेस्ट राइड ले लीजिए इस गाड़ी का, और आपको पता चल जाएगा कि कैसी आप पे सूट करती है। तो मेरे को लगता है ये कम हाइट के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और सिटिंग पोजिशन काफ़ी कम्फर्टेबल है, और अपराइट पोजिशन है तो कोई ऐसा कोई बैक में प्रॉब्लम कुछ है नहीं, तो काफ़ी सही स्मूथ गाड़ी है। तो प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 99,000 है, जो ड्रम वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 99,000, और जो डिस्क वाला वेरिएंट है मतलब दोनों साइड आगे और पीछे डिस्क, तो उसका जो प्राइस है वो है 1,03,000। तो इसमें फ्रंट में तो आपको डिस्क मिलेगा मिलेगा, तो पीछे जो डिस्क है वो ऑप्शनल है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब आप डिस्क लेंगे। तो यही सब था मेरी तरफ से दोस्तों अपाचे RTR 164V का एक राइड रिव्यू। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइस।